गिल और साई सुदर्शन के शतक से गुजरात प्लेऑफ के रेस में अभी भी बरकरार है और चेन्नई के लिए ऐसे में दोस्तों अगले दोनों मैच करो या मरो के रहने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं अगले दोनों मैच चेन्नई को जीतने होंगे। इसी बीच हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों गुजरात टाइटंस की शुरुआत की। गुजरात टाइटंस ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिर में कैसे इतना बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया। तो गुजरात टाइटंस की शानदार ओपनिंग दोस्तों गुजरात ने चेन्नई के सामने 232 रन का लक्ष्य रखा था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने न सिर्फ शतक जड़े बल्कि 210 रन जोड़ते हुए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की बराबरी कर गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स पर 35 रन से जीत दिला दी और दोनों के बीच निभाई गई ओपनिंग साझेदारी का नतीजा था कि गुजरात ने 3 विकेट पर 231 रन बनाकर आईपीएल में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में दोस्तों मोहित शर्मा ने 31 रन देते हुए 3 विकेट लेते हुए शानदार गेंदबाजी भी की। और आगे हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन दोस्तों यहां पे साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय जो पारी खेली जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस ने इतना महान स्कोर खड़ा किया दोस्तों 232 रन का लक्ष्य खड़ा किया। यहाँ पे हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 10 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। उसके बाद चेन्नई की शुरुआत बहुत खराब रही। अजिंक्य रहाणे 1 रन वॉरियर का शिकार बने, ऋतुराज गायकवाड़ 0 के स्कोर पर उमेश यादव का शिकार बने, वहीं चेन्नई का स्कोर 3 विकेट और 10 रन। यहां से डेरियल मिचेल और मोइन अली ने चेन्नई को संभाला। मिचेल ने 27 गेंद में अपना आईपीएल का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। मोइन ने 11वें ओवर में नूर अहमद पर लगातार 3 छक्के लगाए और मिचेल ने राशिद पर चौका और छक्का लगाकर 52 गेंदों की शतकीय साझेदारी पूरी की। तो इस तरह से दोस्तों हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच फिर भी गवा दिया बतौर एमएस धोनी के। दोस्तों एमएस धोनी ने भी बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी की, लेकिन वो बल्लेबाजी अंत में काम नहीं आई। धोनी ने अंत में 3 छक्के लगाए, वह 26 रन पर नाबाद लौटे। उन्होंने आईपीएल में 250 छक्के भी पूरे किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों गुजरात टाइटंस ने ये मैच अपने नाम किया।